भुवनेश्वर में आयोजित मिस्टर एनपीसी बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में झारसुड़ा के सुभाष श्रेष्ठा को 70 केजी वेट वर्ग में दूसरा स्थान और देवाशीष कुंवर को क्लासिक फिजिक कैटेगरी में तीसरा स्थान और बॉडी बिल्डिंग में चौथा स्थान हासिल हुआ है। झारसुड़ा के दो बाइकर्स दीपक पांडे और आसिफ खान कल झारसुड़ा से अपनी बाइकिंग अभियान की शुरुआत किए हैं। इस अभियान के दौरान 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम का यात्रा करेंगे। रोटरी क्लब झारसुड़ा के सदस्यों ने हरी झंडी दिखाकर इस बाइकिंग अभियान को रवाना किया है। जेएसडब्ल्यू प्लांट के एक ठेके कंपनी में काम कर रहे लेकरा ब्लॉक थेथरीमाल गांव के 4 लोग प्लांट में हुए ब्लास्टिंग में जल गए थे। दुर्घटना में घायल हुए श्रमिकों को केस न करने के लिए धमकी और इलाज में कोई भी विशेष सहायता नहीं देने के आरोप लगाए हैं झारसुड़ा बीजेपी और उनके परिवार सदस्यों ने। कल होटल मेघदूत में एक झारसुड़ा बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। इस घटना के बारे में बताया गया। झारसुड़ा जिला ईब थर्मल बनरपाली स्थित ओपीसी के राख का पाइप फिर से फट जाने के कारण राख पानी खेत और तालाब में घुस गया। स्थानीय लोगों ने घटनास्थल पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। टाउन थाना अंतर्गत कब्रिस्तान पड़ा में किराए पर रहने वाले एक महिला को एक युवक प्रपोज करने के बाद महिला ने इनकार करने पर युवक ने उन पर जानलेवा हमला करने की शिकायत टाउन थाने में दर्ज करवाई गई है। गोविंदपुर पेट्रोल पंप के पास गाड़ी रखकर गाड़ी से कुछ सामान चुरा कर ड्राइवर फरार हो जाने की शिकायत रंगाली थाने में दर्ज करवाई गई है। लखनपुर ब्लॉक के किसानों की समस्याओं को लेकर कृषक संगठन की ओर से स्वास्थ्य मंत्री नवकिशोर दास से मुलाकात कर 13 पॉइंट मांग को लेकर एक मेमोरेंडम सौंपा गया है। रामपुर आउटपोस्ट अंतर्गत एक ठेके की कोयला खदान कंपनी में विभिन्न मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों के हमले से पुलिस गाड़ी टूटने के साथ एक पुलिस घायल हुए हैं। उत्तराखंड के मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में बड़गड़ एमपी सुरेश पुजारी पहुंचकर प्रशिक्षण ले रहे झारसुड़ा सरबहाल के रीना प्रधान से मुलाकात किए हैं। बड़माल वनखंड अंतर्गत पतरापाली जंगल में किसी कारण से आग लग गई थी। सूचना पाकर वन विभाग के फायर स्क्वाड घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाए हैं। सदर थाना अंतर्गत ई ब्रिज पर कल रात को भीड़ के कारण एक एम्बुलेंस काफी समय तक अटका रहा। इस ब्रिज पर करीब 2 घंटे तक भीड़ लगी रही। रामपुर आउटपोस्ट अंतर्गत बनारसी पाड़ा में संजीव मचकंडी को हत्या करने के आरोप में पुलिस आरोपी दमबारू को गिरफ्तार करके कोर्ट चालान किए हैं।